नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी आप किसी बैंक में अपना खाता खुलवा रहे होते हैं, चाहे आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं या फिर करेंट अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं, जो भी आपको नया बैंक दिखता है उस पर आप रिसर्च जरूर करते हैं और ये पता ज़रूर करते हैं कि RBI द्वारा यह अप्रूव्ड है या फिर नहीं। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर भी बहुत सारे ऐसे नए नए बैंकों की वीडियो जो है अपलोड किया गया है, जिसमें अकाउंट ओपनिंग संबंधित हमने बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड कराया है। तो उसमें भी हमें काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में ये सवाल थे कि क्या यह RBI द्वारा अप्रूव्ड है, क्या RBI के वेबसाइट पे ये रजिस्टर है या फिर नहीं। दोस्तों, ये पता करने के लिए वो गूगल पर सर्च करती हैं, या फिर वो ब्रांच में जाते हैं, ब्रांच से पता करते हैं या फिर कस्टमर केयर से बात करती हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि यह बैंक जो है RBI से अप्रूव्ड है या फिर नहीं, और कौन है, कौन से ऐसे बैंक हैं जो RBI से अप्रूव्ड है या फिर नहीं। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितने ऐसे बैंक हैं जिनके पास कितने ऐसे ब्रांच हैं, ये कैसे आप पता कर सकती हैं और उसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। जस्ट हम स्लाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बैंकों की जो लिस्ट है वो दिखाना चाहूँगा। तो चलिए हम स्लाइड करती हैं। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले में SBI का नाम यहाँ पर छपा हुआ है। आप देख सकते हैं SBI, अलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारा कुछ लिस्ट में मिल जाता है। तो यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी दिए गए हैं, आप इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। इसका एड्रेस वगैरह पिन कोड के साथ भी दिया गया है, तो आप यहां से जानकारी हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डाउन करते हैं इसे और स्लाइड करके नीचे की तरफ आते हैं और यहां पर स्पष्ट रूप से हम बताने की आपको प्रयत्न करती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्राइवेट सेक्टर में कितने सारे बैंक हैं और यहाँ पर लोकल एरिया के कितने बैंक हैं, स्मॉल फाइनेंस कितने बैंक हैं, साथ ही साथ PTM पेमेंट बैंक जैसे पेमेंट बैंक कितने हैं और यहाँ पर कौन से नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके दिया गया है। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक भी दिया गया है और यहाँ पर बाहर में यानी विदेश में जो काम करती है बैंक, उस पर भी यहाँ पर एक नज़र डाला गया है और लिस्ट जारी किया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, किसी पर भी क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हो, यह इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहां पर आसानी से जा सकते हो, किसी भी बैंक के वेबसाइट पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मतलब साफ है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप जिस बैंक के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। एड्रेस के साथ साथ सारा कुछ आप पता कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर इस लिस्ट में कोई भी बैंक नहीं रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर हमें बता सकते हैं कि ये बैंक इस लिस्ट में नहीं है और इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं जानकारी ज़रूर दे दूंगा उस पर रिसर्च करने के बाद। मैं आपको बता दूँ, अब बात करते हैं यहाँ पर बैंकों की ब्रांच के बारे में कि कैसे आप जान सकते हैं कि कौन से बैंक के पास कितना ब्रांचेज है। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मैं दे दूंगा जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि कितने सारे ब्रांच हैं कौन से ऐसे बैंक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक नेम आपको मिल जाएंगे, सीरियल नंबर मिल जाएगी, उसके बाद नंबर ऑफ ब्रांचेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। अगर आदित्य बिरला पेमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पर थर्ड नंबर में आती है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, जिसमें 2 ब्रांच शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस बैंक के पास कितने सारे ब्रांचेज है। तो यहाँ पर देना बैंक की अगर बात करें तो अगर सीधा में आते हैं तो 326 जो है इसकी ब्रांचेज है देना बैंक की। तो यहाँ पर ब्रांच की जो लिस्ट है वो दिया गया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी लिंक दिया रहेगा, आप क्लिक करके जान सकते हैं कि कौन से बैंकों के पास कितना ब्रांचेज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया कि आप कैसे जान सकते हैं कि RBI अप्रूव्ड बैंक है या फिर नहीं है और कौन से बैंकों के पास कितना ब्रांचेज है। अगर इससे जुड़ी कोई भी सवाल होती हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।